क्या आपका बच्चा अभी क्लास 6th या क्लास 7th में पढ़ रहा है और आप चाहते हैं कि क्लास 8 से वो RIMC जो कि इंडिया का बेस्ट स्कूल्स में से माना जाता है और स्पेशली डिफेंस कैटेगरी के प्रिपरेशन के लिए अपने आप में एक पाइनियर इंस्टीट्यूट है, जहां आपके बच्चे को स्पोर्ट्स एक्टिविटी एजुकेशन करिकुलर को करिकुलर सभी टाइप की एक्टिविटीज के बारे में ट्रेंड किया जाता है और इनका उद्देश्य है आपको प्रिपेयर करना। किसके लिए प्रिपेयर करना? तो NDA के लिए प्रिपेयर करना, नेवल एकेडमी के लिए, एयरफोर्स के लिए आपको प्रिपेयर करना और आफ्टर 12th आप सभी को इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में सिलेक्ट करवाना है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एक बेहतरीन फ्यूचर हो इस अकेडमी के थ्रू, RIMC के थ्रू? तो आपको इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स जानना अभी अनिवार्य है। पहली चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कब इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि क्वालिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा, हम लोग बात करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से आप अपने बच्चे का यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं। थर्ड थिंग, हम लोग जानेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम कब कब होते हैं, कैसे होते हैं, एंड लास्ट हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो मैं हूँ सुनील शर्मा और आप सभी देख रहे हैं द ऑनलाइन गुरु। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए तो आप स्क्रीन पे अगर थोड़ा सा नजर डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि एडमिशन साल में दो बार लिए जाते हैं। फर्स्ट होता है इनका जून सेशन और सेकेंड होता है इनका दिसंबर सेशन। अब अगर मैं बात करूं, अभी आपके सामने दिसंबर सेशन आने वाला है, तो प्राइम फोकस हम लोग दिसंबर सेशन को रखते हैं। एंड अगर आपका बच्चा इसके आगे के किसी सेशंस में प्रिपेयर करना चाहता है तो उसकी डिटेल्स भी आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्या कहता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन बच्चा कहाँ पढ़ रहा हो, क्लास 7th के अंदर पढ़ रहा हो, अब या फिर वो बच्चा क्लास 7th को पास कर चुका हो, दोनों ही सिचुएशन में बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। अब मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 2023 के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, तो किस दिन, एट द डेट ऑफ एडमिशन इन RIMC, दैट विल बी 1st of July 2024, मतलब 1 जुलाई 2024 के दिन जब आपका बच्चा सिलेक्ट होकर RIMC में एडमिशन के लिए जाएगा, उस समय बच्चा या तो क्लास 7th में पढ़ रहा हो तो भी एलिजिबल है, या फिर उसने क्लास 7th क्वालिफाई कर लिया हो, क्लास 8th में पढ़ रहा है तो भी वो एलिजिबल है। कैसे, थोड़ा सा सोचते हैं। आज के दिन सपोज अभी जून है, जून में आपका बच्चा पढ़ रहा है, जून 2023 से मैं रिलेट करता हूं इसको, क्योंकि इस टाइम तक आपके एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो चुके होते हैं। जून 2023 में आपका बच्चा अभी पढ़ रहा है क्लास 6th में, तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल के अंदर 2024 में आपका बच्चा चला जाएगा 7th क्लास में। इन्हें क्या चाहिए, 1st of July के दिन आपका बच्चा पढ़ रहा होना चाहिए 7th में, आपका बच्चा एलिजिबल है। सेकेंड थिंग सोचिए, अभी आपका बच्चा क्लास 7th में पढ़ रहा है, ठीक है, अप्रैल 2024 तक आपका बच्चा जो है वो क्लास 8th में चला जाएगा तो भी वो एलिजिबल है, मतलब आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन जब आपका बच्चा क्लास 6th में आता है। और इतना ही नहीं, इसमें एंट्रेंस एग्जाम आप सिर्फ एक बार नहीं, अगर आप एज ब्रैकेट में आते हैं तो टोटल 3 times आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब 3 times कौन कौन से हैं, आप जून का एग्जाम देंगे, आप दिसंबर का एग्जाम देंगे और वापस से अगले साल आप जून का एग्जाम दे सकते हैं। तो इस टाइप से 3 attempt एक बच्चे को यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि एज ब्रैकेट उसका फिक्स होना चाहिए। तो ये तो था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब हम बात करते हैं एज ब्रैकेट की। तो देखिए, इसमें एलिजिबल कौन कौन है, बॉयज भी एलिजिबल हैं, गर्ल्स भी एलिजिबल हैं। यहां पे मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 2023 के एंट्रेंस एग्जाम की, तो इस अकॉर्डिंग आपका बच्चा 11.5 साल से लेकर 13 साल का होना चाहिए। अब कई पेरेंट्स में ये कंफ्यूजन होता है कि बच्चा 11.5 से 13 के बीच में है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि नहीं है। रीजन, किस दिन कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो दिन है 1st of July 2024। 1st of July 2024 के दिन आपका बच्चा 11.5 से 13 साल का होना चाहिए।
फॉर्म भरते समय नहीं, जिस दिन वो एंट्रेंस एग्जाम के बाद ज्वाइन करेगा ना, उस दिन। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सिंपल करते हैं। अगर आपके बच्चे का जन्म 2 जुलाई 2011 से लेकर 1 जनवरी 2013 के बीच में है, चाहे 2 जुलाई 2011 ही क्यों ना हो, चाहे 1 जनवरी 2013 ही क्यों ना हो, बच्चा इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके पास। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर बच्चा 2 जुलाई 2011 से लेकर 1 जनवरी 2013 तक के बीच में कहीं पे भी जन्मा है, तो वो RIMC का इस साल दिसंबर 2023 में होने वाला एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा कम है, तो आप इसके बाद जून 2024 का एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं। तो आगे के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उनकी डिटेल्स जानने के लिए और टाइम टू टाइम अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब आपके लिए नोटिफिकेशंस अपलोड करें तो आपको टाइमली वो नोटिफिकेशंस मिल सके। ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कि भैया पेपर कैसा होता है। पेपर की अगर मैं बात करूं, तो उससे पहले आपको समझना जरूरी है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन पैटर्न क्या है। सबसे पहला, आप जून के अंदर क्या करेंगे, फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। जून के लास्ट वीक तक फॉर्म्स निकल जाता है, वो भी हम आपको चैनल के थ्रू अपडेट करते रहेंगे। आपने फॉर्म अप्लाई किया, देन आपका एग्जाम होगा दिसंबर 2023 में। एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपसे 3 सब्जेक्ट्स के पेपर लिए जाएंगे। पहला होगा इंग्लिश, जो कि रिटन पेपर होगा 125 मार्क्स का। ये पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलते हैं एक पार्ट में, सेकेंड पार्ट में आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चंस मिलते हैं, और थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स का रिटन पेपर है जो 200 मार्क्स का है। इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि मेरिट यही बनाता है। एंड इस 200 मार्क्स के पेपर को भी 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया होता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन। दोनों ही 100-100 मार्क्स के आपसे यहाँ पे लिए जाते हैं, तो ओवरऑल 200 मार्क्स आपका हो जाएगा। थर्ड आता है जनरल नॉलेज, जिसे GK कहते हैं। ये टोटल 75 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है, आपके सामने 4 ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शंस को जो करेक्ट है वो चूज करना होता है, एंड उसके बाद आपको उस अकॉर्डिंग मार्किंग्स मिल जाती है। तो आपने ये एग्जाम दिया दिसंबर 2023 में। क्राइटेरिया क्या है, अगर आप इन तीनों में सेपरेटली 50% लेकर आते हैं, 50% इंग्लिश में, 50% मैथमेटिक्स में, GK में 50%, तो आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। बट द फैक्ट इज, इतना इजी भी नहीं है ये 50% लाना। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा अभी क्लास 6th और 7th में है, जो इस एंट्रेंस एग्जाम को दे रहा है। लेकिन एग्जाम का अगर मैं बात करूं ना, तो क्लास 8th एंड अबव के थोड़े से हार्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इतना ईजी नहीं है। विदाउट प्रिपरेशन आप इसे नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना चाहिए इसके लिए, और अभी आपके पास समय भी है। प्रिपेयर करें, एंट्रेंस एग्जाम दें। दिसंबर 1st वीक में आपका पेपर हो जाएगा। अगर आपने पेपर अच्छे से क्वालिफाई किया है, देन अराउंड आप ये मान सकते हैं कि 4 मंथ इन्हें लगते हैं कॉपी चेक करने में और आपका रिजल्ट प्रिपेयर करने में। तो दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च, मार्च के एंड तक आपका रिजल्ट इशू होगा। मार्च के एंड में जब रिजल्ट इशू हो जाएगा, तो उसके बाद अप्रैल के समथिंग में आपका इंटरव्यू टेस्ट होगा, और इंटरव्यू अराउंड 50 मार्क्स का होता है। आपने इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया। जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद इन सभी के मार्क्स को मिला दिया जाता है और एक कंबाइंड मेरिट आपके सामने प्रेजेंट की जाती है। इसी कंबाइंड मेरिट के अकॉर्डिंग अगर आप स्टेट वाइज अपने लिस्ट के अंदर आते हैं, टॉप रैंकर्स हैं, तो आपको इसमें सिलेक्शन मिल जाता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स स्टेट वाइज और जोन वाइज, उसका बाइफर्केशन ऑलरेडी मैंने चैनल पे अवेलेबल किया हुआ है, तो वो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, जिससे आप ये जान सकेंगे कि आपके स्टेट में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, बॉयज के लिए कितनी है, गर्ल्स के लिए कहां से कितनी है, और कितना सिलेक्शन होता है। इसके बाद मेरिट लिस्ट आ चुकी है, आपको ज्वाइन करना है, एंड आपने स्टार्टिंग में ही देखा 1st ऑफ जुलाई तक आपका ज्वाइनिंग ले लेंगे। उस अकॉर्डिंग आप
इंडिया के बेस्ट स्कूल्स में से एक RIMC में अब आप सिलेक्ट हो चुके हैं एंड अब आपका एक बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर आपके लिए अवेटिंग है। यहाँ पे इन सभी प्रिपरेशंस को आप ध्यान में रखेंगे एंड अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन में गाइड की रिक्वायरमेंट है तो हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल करवाते हैं, चाहे आप RIMC के लिए हों, RMS के लिए हों, सैनिक स्कूल के लिए हों, जवाहर नवोदय विद्यालय का आप एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सभी के लिए हमारे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप डिटेल्स ले सकते हैं 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू। आप एक अपना टाइम अपॉइंटमेंट ले लीजिए, देन आफ्टर आपको एक टाइम बता दिया जाएगा जिसपे आप कॉल करें और उसके बाद आपकी सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। दिस के अकॉर्डिंग फिर आप क्या कर सकते हैं, बैचेस में इनरोल कर सकते हैं और प्रिपेयर करके, जैसे ये हमारे कुछ प्रीवियस सिलेक्शंस हैं, आपने देखा होगा RIMC में सिर्फ 25 सिलेक्शंस होते हैं ऑल ओवर इंडिया एंड ये हमारे कुछ प्रीवियस 1.5 ईयर के सिलेक्शन हैं, तो इस सिलेक्शन के थ्रू आप भी इनमें नेक्स्ट हो सकते हैं। प्रिपेयर करने के लिए दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू आप डिटेल्स ले सकते हैं एंड ऐसे ही रेगुलर इंफॉर्मेटिव सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे जरूर से जरूर लाइक कीजिए और ऐसे नोन पर्सन जिन्हें इसकी रिक्वायरमेंट है, जिनके बच्चे अभी क्लास 6th या 7th में है, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज आप जब तक शेयर करेंगे तभी वो एक्सपैंड होगा। लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज उनके पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो उनके साथ आप इसे शेयर करें और ऐसे ही अपकमिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि सारे अपडेट्स के नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पे मिल सकें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।